हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। चाहे आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपकी कोई सा भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, डीयू हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, एएमयू हो, जेएमआई, यानी कोई सा भी यूनिवर्सिटी है, तो उसमें यानी जो क्वेश्चन बनते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से, वो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन बीएचयू में एक बार पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है ये बीएचयू का। जैसे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था बीएचयू में, तो एक अपव्यू टाइप में था। अपव्यू देख सकते हैं, यहाँ यहाँ पूछा गया था वन आइगन वैल्यू इसकी -3 है, यानी इसकी एक आइगन वैल्यू गिवन था -3, तो हमसे इसकी दूसरी और तीसरी आइगन वैल्यू पूछा था, तो λ2 एंड λ3 की वैल्यू हमको निकालना है। तो फोर ऑप्शन गिवन थे, ऑप्शन फर्स्ट है 0,1, ऑप्शन सेकेंड है 0,-1, ऑप्शन थर्ड है 0,2, ऑप्शन फोर है -3,5। यानी हमको एक अपव्यू गिवन है, इसमें एक आइगन वैल्यू -3 है और दो आइगन वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फिर आप बीएससी के स्टूडेंट हो या फिर आप एमएससी में पढ़ाई कर रहे हो, तो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए हम ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो हम सारे आइगन वैल्यू का जो सम होता है, यानी जैसे इसमें तीन आइगन वैल्यू हैं, तो वन आइगन वैल्यू -3 है, दो आइगन वैल्यू निकालना है, तो सारे आइगन वैल्यू का जो सम है वो इसके डायगोनल के इक्वल होता है, यानी ट्रेस होता है, ट्रेस के इक्वल होता है। यहाँ पे ट्रेस है वो विकर्ण है, इसे ट्रेस हम ऐसे निकालते हैं -2 + 1 + 0, तो यहाँ का ट्रेस निकालेंगे हम, तो जो ट्रेस होता है ट्रेस ट्रेस इक्वल टू होता है -2 + 1, यानी पूरा इसको हम जोड़ लेंगे, जितने भी विकर्ण है जोड़ लेंगे, +0, तो यह आ जाएगा -1। और यहाँ पर जो ट्रेस है वो सारे आइगन वैल्यू का सम होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा λ1 + λ2 + λ3 = -1। और एक कॉन्सेप्ट है, सारे आइगन वैल्यूओं का जो मल्टीपल है वो जो ये मैट्रिक्स गिवन है इसके जो डिटर्मिनेंट्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम तीनों आइगन वैल्यू का मल्टीपल कर देंगे, λ1 × λ2 × λ3, और इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर -2 है तो -2, जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +12, अब माइनस रहेगा तो -(+) आ जाएगा -12, फिर दोबारा करेंगे इसको -2, कोष्टक में इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसके साथ जिस तरह हम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, वैसे ही इसको हम सॉल्व कर लेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे, और ये आ जाएगा 45 के इक्वल। तो λ1, λ2, λ3 की वैल्यू -1 है, और λ1, λ2, λ3 मल्टीपल है वो 45 है, तो हम तीनों के यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी एक आइगन वैल्यू यहाँ पर -3 है और दो आइगन वैल्यू यहाँ पर हम इसको ले लेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर ये 45 आ जाएगा, और ऐड करने पर ये -1 आ जाएगा, और जितने भी और ऑप्शन हैं ऑप्शन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 45 की इक्वल नहीं आएगा, और ऐड करेंगे तो -1 की इक्वल नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 होगा, यानी एक दूसरी आइगन वैल्यू -3 होगी और तीसरी आइगन वैल्यू 5 होगा, और फर्स्ट आइगन वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था -3। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो आपको मैट्रिक्स है ये 2×2 कोटि की भी मिल सकती है, यहाँ पर 3×3 कोटि की ये मैट्रिक्स है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, एक इक्वेशन गिवन थी 1 − x² d2y / dx² − 2x dy / dx + 12y = 0, ये लेजेंडर इक्वेशन है। लेजेंडर इक्वेशन में यहाँ पे होता है 1 − x² d2y / dx² − 2x dy / dx + यहाँ पे होता है n(n+1)y = 0, तो यहाँ पे हम n(n+1) की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो 12 के इक्वल आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये n = 3 आ जाएगा। आप यहाँ सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो इस n की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये p3x होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डिराक डेल्टा फंक्शन पर, तो डिराक डेल्टा फंक्शन जो होता है डिराक x² - a² जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mod a कोष्टक में δx − a + δx + a। तो आपको यहाँ पर कभी कभी a की वैल्यू कुछ गिवन हो जाएगी 3 या 5, यानी कुछ भी न्यूमेरिकल टाइप्स वैल्यू आपको मिल जाएगा, और आपको सिर्फ फार्मूला पर वैल्यू पुट करना होगा, और फोर ऑप्शन गिवन होंगे जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्वेश्चन गिवन था pdx = 10e−2x² − 4x − 6, और फाइंड x वैल्यू प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, यानी x की किस वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए हम dp/dx निकालेंगे, फिर इसको = 0 कर देंगे और सॉल्व करेंगे, जो x की वैल्यू आ जाएगी वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में लेजेंडर पॉलिनोमियल पर, तो क्वेश्चन पूछा गया था f(θ)sin²θ/2 का वैल्यू कितना होगा, और यहाँ पर जो लेजेंडर पॉलिनोमियल का जो फार्मूला होता है वो plx = 1/2 l·l·d·l·l, तो ये लेजेंडर पॉलिनोमियल का इक्वेशन है। तो अगर आप इसमें p0x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, यानी l की वैल्यू 0 रख देंगे और x की वैल्यू p0x की निकालेंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी इस इक्वेशन पर अगर आप
इस लेजेंडर पॉलिनोमियल पर एल की वैल्यू जीरो रखेंगे तो पी जीरो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन, अगर आप एल की वैल्यू वन रखेंगे तो पी वन एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स। कभी कभी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेजेंडर पॉलिनोमियल पी वन एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, फोर ऑप्शन गिवन हो जाएगा, गिवन रहेगा जिसमें से एक करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर एल की वैल्यू जीरो रखेंगे तो पी जीरो एक्स की वैल्यू वन आ जाएगा, यहाँ पर एल की वैल्यू वन रखेंगे तो पी वन एक्स की वैल्यू आ जाएगा एक्स। तो ऐसे निकालते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन हमें निकालना था साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट टू की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट टू का फार्मूला होता है कास थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी कास थीटा की वैल्यू होती है कास थीटा इक्वल टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट टू। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉइंट टू की वैल्यू निकालेंगे तो वन माइनस कास थीटा पॉइंट टू आ जाएगा। फिर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम वन अपॉइंट टू इसको यहाँ से कॉमन ले लेंगे वन अपॉइंट टू, तो यह आ जाएगा वन अपॉइंट टू यहाँ से लेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पे वन माइनस कास थीटा। तो ये जो वन की वैल्यू थी वो पी वन, अभी हम यहाँ पे देखे थे पी जीरो एक्स की वैल्यू यहाँ पर वन है, तो यहाँ एक्स के स्थान पे कास थीटा रख देंगे हम तो पी जीरो कास थीटा की वैल्यू आ जाएगी वन। तो यहाँ से वन की वैल्यू हम रख देंगे पी जीरो कास थीटा, फिर माइनस पी वन कास थीटा, यानी पी वन की वैल्यू कितनी थी, पी वन की वैल्यू आप देख सकते हैं पी वन एक्स की वैल्यू एक्स था, अगर हम यहाँ पर पी वन कास थीटा की वैल्यू निकालेंगे पी वन कास थीटा तो ये भी कास थीटा के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी जो वन अपॉन टू पी जीरो कास थीटा माइनस पी वन कास थीटा। तो फोर ऑप्शन में एक ऑप्शन गिवन था पी वन अपॉन टू पी जीरो कास थीटा माइनस पी वन कास थीटा, तो वही आंसर हम टिक कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हर्माइट पॉलिनोमियल पर, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हर्माइट पॉलिनोमियल हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर्माइट पॉलिनोमियल जो फार्मूला होता है वो एच एन एक्स इक्वल टू माइनस वन की पावर एन ई की पावर एक्स स्क्वायर डी की पावर एन अपॉन डी एक्स एन इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हर्माइट पॉलिनोमियल है। अगर आप इसमें एच जीरो एक्स की वैल्यू निकालेंगे यानी एन के स्थान पर जीरो रखेंगे तो एच जीरो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन, अगर आप एन के स्थान पर वन रखेंगे तो एच वन एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू एक्स। तो एच जीरो एक्स की वैल्यू वन, एच वन एक्स की वैल्यू टू एक्स आएगा। अगर आप एच टू एक्स निकालेंगे यानी यहाँ पर एन के स्थान पर अगर टू रखेंगे तो चलिए एक बार देख रहे थे इसको रखकर हम, तो एच टू एक्स इक्वल टू जाएगा माइनस वन की पावर टू, यानी यहाँ पर एन है वहाँ पर टू लिख देंगे हम, तो माइनस वन की पावर टू ई एक्स स्क्वायर इंटू डी की पावर एन है तो डी की पावर टू अपॉन डी एक्स की पावर टू, या डी एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यानी हम सिर्फ एन के स्थान पर सिर्फ टू रखे हैं। तो हम एच टू एक्स की वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ये माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा इंटू ई एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट करना है आपको ई माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स का एक बार ई की पावर एक्स आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर पूरा है तो पूरा जाएगा, और दोबारा हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का तो आ जाएगा माइनस टू एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स है फिर इसको दोबारा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस टू प्लस फोर एक्स स्क्वायर। तो आपको कम से कम ये एच फाइव तक आपको मालूम होना चाहिए, एच फाइव एक्स एक्स तक। तो आप इसको रफ पे सॉल्व कर सकते हैं दो तीन बार, यानी आपको ये हर्माइट पॉलिनोमियल गिवन है तो इसमें आप एक बार एच एन के स्थान पे वन रखेंगे, एन के स्थान पे जीरो रखेंगे एक बार, फिर एन के स्थान पे वन, एन के स्थान पे टू, एन के स्थान पे थ्री, यानी आपको पाँच पाँच तक रखना है, एन के स्थान पे पाँच तक, यानी एच जीरो एक्स, एच वन एक्स, एच टू एक्स, एच थ्री एक्स, एच फोर एक्स, एच फाइव एक्स। तो अगर आप एच फाइव तक आप दो तीन बार निकालते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इससे बनते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप एच फाइव एक्स तक नहीं याद कर पाते हैं तो आपको कम से कम एच थ्री एक्स तक तो आना ही चाहिए। तो आप इसको एन के स्थान पर एक बार जीरो रख लीजिएगा, एक बार वन, एक बार टू, एक बार थ्री, और इसको आप सॉल्व कर लेना दो तीन बार करके तो आपको याद रहेगा। तो ऐसे बनते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल पर क्वेश्चन। तो हर्माइट पॉलिनोमियल में एच जीरो एक्स की वैल्यू वन है, एच वन एक्स की वैल्यू टू एक्स है, और एच टू एक्स की वैल्यू हमने निकाला माइनस टू प्लस फोर एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन पूछा गया था एच टू जीरो की वैल्यू, क्वेश्चन पूछा गया था यानी यहाँ पे एक्स के स्थान पे जीरो है, एच टू एक्स की वैल्यू जो आ गई थी वो माइनस टू प्लस फोर एक्स स्क्वायर आया था। तो आपने एच टू एक्स की वैल्यू निकाला था माइनस टू प्लस फोर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप एक्स के स्थान पर जीरो रख देंगे तो एच टू जीरो की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू, यहाँ पर एक्स के स्थान पर जीरो रखेंगे तो प्लस फोर इंटू जीरो स्क्वायर तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस टू इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था टू वे टू मैट्रिक्स गिवन था, लेमडा वन लेमडा टू इक्वल टू वन था, डिटर्मिनेंट्स के इक्वल और लेमडा वन प्लस लेमडा टू की वैल्यू टू है। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे फोर चारों ऑप्शन को रखकर तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है वन कामा वन इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वन की इक्वल आ जाएगा और आप ऐड करेंगे तो प्लस टू की इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आइगन वैल्यू से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑफ ए कैप आई प्लस बी कैप जे। तो ऑर्थोगोनल के लिए आप देख सकते हैं ऑर्थोगोनल के लिए इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द ऑर्थोगोनलिटी, यानी दो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वो ऑर्थोगोनलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो
तो आप ऑर्थोगोनल के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो कर देंगे, जो भी इसका आंसर आ जाएगा वो टिक कर देंगे, यानी ए बी का आंसर इक्वल जीरो। तो ऐसे आप कर सकते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ऑर्थो नॉर्मलिटी रिलेशन जो है हर्माइट पॉलीनोमियल का, वो होता है माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर एक्स स्क्वायर एच एन एक्स इंटू एच एम एक्स डी एक्स इक्वल टू टू की पावर एन एन का फैक्टोरियल इंटू रूट फाइव डेल्टा एन कामा एम या डेल्टा एन एम, ये फार्मूला है। और यहाँ पर डेल्टा एन एम इक्वल टू वन है, कब होगा जब जब एन इक्वल टू एम होगा, और डेल्टा एन एम की वैल्यू जीरो है जब एन एम इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन। तो जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन होता है ई पावर एक्स कामा एक्स अपॉन टू कोष्टक में जेड माइनस वन अपॉन जेड इक्वल टू समीशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जेड एन एक्स जे एन एक्स इंटू जेड की पावर एन। ये बेसल फंक्शन है, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन का। जो लेजेंडर पॉलीनोमियल की वैल्यू जो पी थ्री एक्स की वैल्यू होती है वो वन अपॉन टू फाइव एक्स स्क्वायर फाइव एक्स पावर थ्री माइनस थ्री एक्स। जो लेजेंडर पॉलीनोमियल हमने यहाँ पर डिस्कस किया था लेजेंडर पॉलीनोमियल, तो लेजेंडर पॉलीनोमियल में आपको यहाँ पर पी थ्री एक्स यानी यहाँ पर पी पी और एल के साथ में थ्री रखकर इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो पी थ्री एक्स की वैल्यू निकल जाएगा आपको। पी जीरो पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव तक तो मालूम होना चाहिए। तो आप इस इक्वेशन में जो लेजेंडर पॉलीनोमियल इसमें आप एल के स्थान पर एक बार जीरो एक बार वन एक बार टू एक बार थ्री एक बार फोर एक बार फाइव रखकर चेक कर सकते हैं। तो ये आपको सारे भी मालूम होना चाहिए। तो लेजेंडर पॉलीनोमियल अगर पी थ्री एक्स की वैल्यू पूछता है आपसे क्वेश्चन में एट एक्स इक्वल टू वन पर या एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो आप इसमें वन अपॉइंट टू फाइव एक्स पावर थ्री माइनस थ्री एक्स में एक्स वैल्यू जो भी गिवन हो क्वेश्चन में जीरो वन टू थ्री वो रख करके आप पी थ्री एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं लेजेंडर पॉलीनोमियल में। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ई की पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी एक्स इक्वल टू समीशन आप एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी एच एन एक्स अपॉन एन का फैक्टोरियल टी की पावर एन। ये जब ये पॉलीनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन फार्मूला है। और एच एन एक्स एक्स इक्वल टू टू एन एच एन माइनस वन टू एक्स टू एक्स एच एन एक्स इक्वल टू टू एन एच एन माइनस वन प्लस एच एन प्लस वन। तो ये सारे फार्मूला हैं पॉलीनोमियल जनरेटिंग फंक्शन का, ये फार्मूला है और ये उससे रिलेटेड फार्मूले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में थर्मल एंड स्टेटिस्टिकल के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे या जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और फार्मूला है वो सारा को डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसमें हमने मैथमेटिकल फिजिक्स के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो सारा कुछ डिस्कस किया है। अगर आपके पास और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसके हम जो भी मैथमेटिकल फिजिक्स के और बचे हैं कॉन्सेप्ट वो भी हम क्लियर कर देंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी इसके आगे वाले वीडियो आएँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले वो वीडियो देख पाएँ।